हाल ही में रिया चक्रवर्ती की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने 7 से 8 महीने जो भी ट्रैवल किया उसका खर्च सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आए दिन नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं। अब रिया की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने यानी रिया ने 7 से 8 महीने जो भी ट्रैवल किया मतलब जहां भी गई देश विदेश उनका सारा खर्चा सुशांत ने उठाया था। रिया की 10 अगस्त 2019 से लेकर 25 फरवरी 2020 की जो ट्रैवल डिटेल सामने आई है उसमें उन्होंने लगभग 7 देशों की विदेश यात्रा की। रिया की इन सभी यात्राओं का खर्च सुशांत सिंह ने उठाया था। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि सुशांत सिर्फ रिया पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पैसे खर्च किया करते। सुशांत के परिवार ने भी यही आरोप लगाया था कि रिया के आने के बाद उनके बेटे के खर्चे यानी सुशांत के खर्चे बढ़ गए थे पहले से। अब सामने आई इस डिटेल से काफी मेल खाता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने 6 महीने में 5 देशों की यात्रा की जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रिया यूएई स्विट्जरलैंड और इटली शामिल है। इसके अलावा रिया मुंबई और गोवा भी कई बार जाया करती थी। रिया की इस विदेश यात्रा में उनके भाई सौविक चक्रवर्ती भी शामिल थे। इसके अलावा एक दिन में ही रिया 2 जगहों पर जाकर वापस भी लौट आई। फ्रांस में रुकने के बाद 9 से 11 अक्टूबर 2019 तक रिया सुशांत और सौविक रिया के भाई स्विट्जरलैंड में रहते हैं। उसके बाद तीनों वापस फ्रांस लौट कर आ जाते हैं और फिर उसी दिन वापस स्विट्जरलैंड लौट जाते हैं और 12 अक्टूबर तक रहते हैं। इसी के बाद से सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रिया ने बताया था कि यूरोप ट्रिप पर सुशांत ने एक 600 साल पुरानी पेंटिंग देखी थी जिसके बाद से वो काफी परेशान रहने लगे थे। रिया के साथ विदेश यात्रा से वापस आने के बाद उनका स्वभाव भी काफी बदल गया था ऐसा रिया का कहना है। बता दे कि रिया ने इसके बाद भी लगातार 25 फरवरी तक कई विदेश यात्राएं की और इन सभी में सुशांत के रुपए खर्चे हो रहे थे। ये भी खबर सामने आई थी कि सुशांत अपने बढ़ते खर्चों को लेकर काफी परेशान हो रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।